अगर आप इलेक्शन को ही लेकर के सारी योजनाएं बना रहे हैं तो हमको लगता है यहाँ तो आपको लॉस हो जाएगा इलेक्शन में भी। मौका तो मिलना चाहिए लेकिन सरकार की इस नीति के हिसाब से हम लोग को नहीं लगता है कि मिल पाएगा इस हिसाब से। तो क्या इस बार अगर इन अभ्यर्थी का नहीं हो पाया तो ये अपना करियर समाप्त, एक साल में ही सब खत्म, सब समाप्त समझे? सरकार से आग्रह है कि अटेम्प्ट वाला ये खत्म कीजिए। अगर सरकार चाहती तो बड़ी इजी वे में सॉर्ट भी हो जाती सारे मुद्दे। ये तो डर लगा हुआ है कि मेरा करियर खत्म हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, आप सभी जान रहे हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3.0 में मुद्दे बहुत है। किसी को STT अपेयरिंग वाले तड़प रहे हैं, DLED अपेयरिंग वाले तड़प रहे हैं और CTET वाले भी तड़प रहे हैं। आप एक बार देख लीजिए कि कितने लोग पहुंच गए हैं नवीन सर के पास। पहले सर ही से बात कर लेते हैं, कितने मुद्दे पहुंचे हैं। STT वाले भी पहुंचे होंगे, DLED वाले भी पहुंचे होंगे, 1-2-3 के बाद आउट होना है वो भी वाले, कितने मुद्दे हैं? मुद्दे बहुत सारे हैं और अगर सरकार चाहती तो बड़ी इजी वे में सॉर्ट भी हो जाती सारे मुद्दे। अगर आप इलेक्शन को ही लेकर के सारी योजनाएं बना रहे हैं तो हमको लगता है यहाँ तो आपको लॉस हो जाएगा इलेक्शन में भी, क्योंकि आप देखिए कि एस्टेट वाले लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थी हैं, 3.5 लाख, 3.5 लाख। और अगर CTET, चूँकि ऑल ओवर इंडिया लेवल के CTET वाले अभ्यर्थी अलग अलग जगह से भी इस फॉर्म को भरते, आपका 23 तारीख तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट दिए हैं और 28 तारीख को इनका रिजल्ट आ रहा है, एक सप्ताह की बात है, एक सप्ताह कारण ये पक्ष प्रभावित हो रहे हैं। DLED वाले लगभग 40,000 DLED अभ्यर्थी हैं 22 से 24 सेशन के, तो इनको अब एक इनका पाठक सर का वीडियो भी उपलब्ध है कि उन्होंने इन बच्चों को आश्वासन दिया था कि तुम लोग को दिक्कत नहीं होगी, अगस्त वाले में हम अपीयर कराएंगे। और 4.0 किशनगंज में बोले थे कि 4.0 आ रहा है। हाँ बिल्कुल, इसके बाद आप देखेंगे कि मगध यूनिवर्सिटी और आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, तो मात्र कुछ दिनों के खातिर पिछले बार ये लोग एस्टेट एग्जाम देने से वंचित रह गए। अच्छी खासी संख्या इनकी है और ऐसे हजारों लाखों अभ्यर्थी हैं जो कि सरकार के इस नीति के शिकार हो गए हैं। आप अगस्त में एग्जाम लेने वाले थे, अचानक आप कर दिए कि नहीं हमको मार्च में एग्जाम लेना है। सबसे बड़ी बात, इन एस्टेट वाले बच्चों को जिनका आप फॉर्म पहले से भरवा लिए थे दिसंबर में, उनका तो एग्जाम कम से कम आप पहले ले लेते तो आप बैठ पाते 3.0। पिछली बार तो आप नोटिफिकेशन इंड हुआ 72 घंटे के अंदर आप एग्जाम ले लिए, मतलब आप रिजल्ट भी तुरंत, एग्जाम भी तुरंत, मतलब जो आप चाहते हैं अपने हिसाब से सारा कुछ कर लीजिए। लेकिन इन अभ्यर्थियों को थोड़ी भी चिंता नहीं है कि ये बच्चे क्या चाह रहे हैं और आपके इस नीति के कितने शिकार हो रहे हैं, कितनी परेशानियों का इनका सामना करना पड़ रहा है। अब समझिए कि एक महीने का भी समय नहीं दिए हैं आप, मुश्किल से 25-26 दिन का समय है। उसमें बहुत अभ्यर्थी ऐसे भी हैं मल्टीपल एग्जाम में वाले कैंडिडेट, 1-5 भी देंगे, 6-8 भी देंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी 6-8 देना है, 9-10 देना है, 11-12 देना है, 3-3 एग्जाम देना है। अब आप ही बताइए कि इतने बड़े सिलेबस को कवर करना है एक महीना में कैसे संभव ये चीज हो पाएगा। अभी बाहर से इतने दूर दूर से अभ्यर्थी आए हैं, अभी देख लीजिए यूपी के बच्चे हैं, बिहार के बच्चे हैं, अलग अलग जगह से आए हुए हैं और इसी होप में पढ़ रहे थे कि हम लोग एस्टेट वाले को तो मौका मिलेगा ही मिलेगा, फॉर्म ऑलरेडी भरवा चुकी है, सरकार आश्वासन दे दी है मार्च में तुम्हारा एग्जाम होना है। और हम लोग भी ये मान करके चल रहे थे कि कम से कम ये लोग को अपीयरिंग में जरूर मौका दिया जाएगा क्योंकि पहले से फॉर्म भरवा चुकी है और CTET का रिजल्ट जस्ट आने वाले हैं, ये भी वंचित बच्चे नहीं रहेंगे। DLED तो अलग है, मौका उनको भी मिलना चाहिए। और 22 से 24 वाले BEd अभ्यर्थी, एक्शन होगा कि नहीं होगा कि ये लोग तड़पते ही रहेंगे? नहीं, ये अभ्यर्थी रुकने के मूड में नहीं है। अभी देखेंगे कि चंद अलग अलग ग्रुप बना करके लगातार अभ्यर्थी आ रहे हैं और पूरी तरीके से आक्रोशित भी हैं, परेशान भी हैं। इसलिए पहले तो बहुत आग्रह विनय पूर्वक सरकार से हमारा भी आग्रह है कि इन बच्चों की जो भी परेशानियां हैं इनको समझने का प्रयास किया जाए और थोड़ा सा अगर आप ऊपर नीचे करते हैं तो इनकी परेशानी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। क्योंकि आप देखेंगे कि TRE 1, TRE 2, TRE 3 एक ही अभ्यर्थी को मौका मिल रहा है। आप कंप्लीट फ्रेशर देखिए ना, कितने बच्चे पहुंच रहे हैं। चलिए आप पर आते हैं, आप बताइए कि आप क्या प्रॉब्लम लेके आए, STET वाले हैं कि कौन वाले? मेरा प्रॉब्लम STET है। एक्चुअली हम लोग दिसंबर में फॉर्म भरे थे और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे सरकार से कि मतलब एग्जाम ऑन टाइम हो जाएगा ताकि हम आसानी से। क्या लग रहा है, मौका दिया जाएगा कि नहीं? और कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट होगा, लेकिन कहने का मतलब है कि पेपर 1 ही मेरा निकला है, पेपर 2 के लिए हम इस बार फॉर्म भरे हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि मार्च में जो एग्ज़ाम होना था वो हो जाए और साथ में अपेयरिंग वाले को भी मौका मिले। चलिए, आप कौन से हैं और नवीन सर के पास क्यों पहुँचे हैं?
स्टेट के लिए हम लोग भी हैं सर, पीरियड टू हम लोग का अभी तक एग्जाम नहीं दिया, वो पेपर हम लोग का निकला हुआ है, तो वही सीख ले सर के पास भी और यहाँ पे मैं क्लास भी करता। क्या लगता है मौका मिलेगा? मौका तो मिलना चाहिए, लेकिन सरकार की इस नीति के हिसाब से हम लोग को नहीं लगता है कि मिल पाएगा। इस हिसाब से मिल पाएगा नहीं। कुछ कहना चाह रहे हैं सर? हाँ, कहना ये चाह रहे हैं कि एक और प्रमुख मुद्दा है जिस पर सरकार को निश्चित रूप से गौर फरमाना चाहिए कि अटेम्प्ट वाली बात। बिल्कुल, आपने 3 अटेम्प्ट तय कर रखा है पहले से, अब बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं कि इसी बार उसका तीसरा अटेम्प्ट पूरा होने वाला है। क्या बिहार से जो बच्चे बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं या इस तरह के दूसरे कोर्स किए हैं, एक साल में ही क्या इनका करियर समाप्त हो जाएगा? ये बड़ा सा प्रश्न है, क्योंकि एक बार में आप पिछले 6 साल 7 साल में एक भी वैकेंसी नहीं दिए और एक साल में तीसरी बार वैकेंसी दे रहे हैं और चौथी बार भी वैकेंसी देने वाले हैं, तो क्या इस बार अगर इन अभ्यर्थी का नहीं हो पाया तो ये अपना करियर समाप्त, एक साल में ही सब खत्म, सब समाप्त समझें? क्योंकि कितनी मेहनत से ये ग्रेजुएशन किए, बीएड किए, उसके बाद फिर एस्टेट किए, तो आप देख रहे हैं इतने सब चीज किए और इनका करियर समाप्त होता नजर आ रहा है। इसलिए करके 3 अटेम्प्ट को या तो आप अनलिमिटेड करें, जब आप एग्जाम ले ही रहे हैं, कंपटीशन ले ही रहे हैं, तो अटेम्प्ट का क्या मतलब है? और आप किसी भी स्टेट में आप देखेंगे इस तरह का प्रोविजन नहीं है अटेम्प्ट वाली। ये सब चीज के मामले में बिहार ही इतना बड़ा उदारपूर्ण प्रदेश है जो इस तरह से उदारतापूर्ण तरीके से हर चीज कर रही है। आप देखेंगे डोमिसाइल का मुद्दा कितना बाहर वाले पूरा राज कर रहे हैं। अभी आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, झारखंड का ले लीजिए, आप आसाम का ले लीजिए, मध्य प्रदेश का ले लीजिए, राजस्थान का ले लीजिए। आप पर आते हैं सर, क्या करिएगा ये बताइए, कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा सेकंड अटेम्प्ट होगा। तीसरे में तो फिर उसके बाद मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। यही सरकार क्यों पहुंची नवीन सर के यहां? नवीन सर के यहाँ इसलिए पहुँचे कि ये सरकार से आग्रह है कि अटेम्प्ट वाला ये खत्म कीजिए, क्योंकि एसटीटी वाली की क्या अटेम्प्ट वाली? नहीं, मेरा स्टेट क्लियर है, लेकिन मेरा अगले बार एक नंबर से छूट गया, तो इसलिए मतलब अटेम्प्ट खत्म कीजिए, क्योंकि आप टाई ब्रेकर लगा रहे हैं, आप बहुत सारे मुद्दे एज की वाइज आप मतलब हटा दे रहे हैं, नहीं ले रहे हैं इस कैंडिडेट को। अच्छा, एक डर है कि अगर मान लीजिए सेकंड में नहीं हुआ, हाँ, तो थर्ड में नहीं हुआ, तो चौथे बार हम ट्राई नहीं कर पाएंगे? ये तो डर लगा हुआ है कि मेरा करियर खत्म हो जाएगा इसके बाद, मतलब कि इतना पैसा लगा के समय लगाए। हम यही पटना से ही हैं, और हम लोग का एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ की मतलब बहू है, तो हमारा यहाँ पे जनरल में काउंट होता है, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, मतलब मुद्दा है कि अटेम्प्ट आप लगा दिए, तो इस वजह से हम लोग जनरल में काउंट हो रहे हैं, तो हमारा तो एक नंबर के वजह से या टाई ब्रेकर से खत्म हो जाएगा। तो ये चलिए, आप क्या प्रॉब्लम लेके आई हैं सर के यहाँ आए पढ़ने के लिए? जी, अटेम्प्ट का इशू है या एसटीटी? बहुत बड़ा इशू है, ये हटाना चाहिए, अटेम्प्ट होना चाहिए। क्या हटाना चाहिए ये बताइए, और मौका क्यों चाहते हैं? भैया, मेरा जो स्टेट हो, स्टेट में सब्जेक्ट कम्बिनेशन गलत हो गया था। हम केमिस्ट्री ऑनर्स हैं, लेकिन फिर भी मेरा सिर्फ सब्सिडरी पेपर मैथ है, फिजिक्स होने के कारण हमको साइंस से हटा दिया गया, जिंदगी भर साइंस पर है, और उसके बाद साइंस से हटा दिया गया, बोल रहा है मैथ से। मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है। क्या लग रहा है? हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इस बार जो अपेयरिंग कैंडिडेट है इनको मौका दिया जाए। अगला बार हम लोग के 3 दिन के लिए मात्र छूट गया था, और सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कब मिलेगी? जब अधिक से अधिक स्टूडेंट एग्जाम में शामिल होगी। बाहर वाले को क्या बोलेंगे? और दूसरी बात यह है कि बाहर वाले कैंडिडेट यहाँ आकर 40% सीट ले जा रहे हैं। 40% क्या करेगा आपका, कैसे होगा? सर, मेरा तो अभी तक एक भी एग्जाम नहीं दिए हुए बीपीएससी का। दूसरी बात यह है, झोला टांग के हैं, बैग टांग के, क्या चाह रहे हैं? अपेयरिंग को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर, हम लोग रिंग है। हाँ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए। थर्ड अटेम्प्ट होगा हमको इस लग रहा है आपके हिसाब से? नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट है। हाँ। मिलेगा कि नहीं पता नहीं, अब मिलना चाहिए, मगर मिलना चाहिए कि नहीं मिलेगा जी? डोमिसाइल के लिए जहाँ तक बात है, आपको पता झारखंड दिल्ली का होम गार्ड है, असम हो गया, दिल्ली होम गार्ड है, वहाँ पे डोमिसाइल लागू हुआ है, लगा दिया गया है। आपका असम में जो है डोमिसाइल कैसे लागू किया गया, वहाँ पे लोकल लैंग्वेज को लागू कर दिया गया है कि मैंडेटरी है। यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली डोमिसाइल नहीं लगा सकते हैं तो आप लोकल लैंग्वेज को लागू कर दीजिए, मैथिली हो गया, मगही हो गया, भोजपुरी हो गया, इसमें से कोई एक लैंग्वेज लागू कर दीजिए। झारखंड में भरने के लिए इच्छुक था, लेकिन झारखंड में डोमिसाइल लागू कर दिया, असम में लागू कर दिया गया। हम लोग क्या करें? हम लोग को पिछले बार जो है सब्जेक्ट कम्बिनेशन में जो है गड़बड़ हो गया था कुछ सब्जेक्ट, इसके वजह से हम लोग बाहर हो गए, और प्लस पेपर टू में जो है मेरा फिजिक्स ऑनर्स था, उसमें लगता है बॉर्डर लाइन पर हम जा करके बाहर हो गए, उस मतलब दोनों तरीके से बाहर हो गए। इस बार मेरा जो है अगर काउंट के दृष्टि से देखा जाए तो मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, ठीक है ना, लेकिन इस बार देख थर्ड अटेम्प्ट। अब तो नहीं दे पाएगा अगली बार, अगर इस बार नहीं होता
सरकार की नीति से लग तो रहा है कि हम लोग बाहर ही हो जाएंगे। देखिए सारे लोग पहुंचे थे नवीन सर के पास, अब देखना ये होगा कि सॉल्यूशन होता है कि नहीं होता है। एसटीटी पेयरिंग हो गए, डीएलएड हो गए, जो मुद्दे थे वो आपने सुने, अब सॉल्यूशन क्या है वो देखना होगा, क्योंकि नवीन सर के पास लगातार जो ग्रुप है वो पहुंच रहा है, आक्रोशित होकर पहुंच रहा है, गुस्से में पहुंच रहा है, लेकिन अब क्या होगा वही देखना होगा, क्योंकि TRT 3.0 को लेकर विवाद भैया बहुत हो रहा है, तो बस देखना होगा कि सॉल्यूशन होता है कि नहीं। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।